हर चीज़ अपने आप में एक कहानी बयां करती है, तो उनमें से कुछ एक चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना हम उन चीज़ों को देख के अब उस टाइम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो चीज़ उस टाइम में क्या रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप पहुँचाऊँ हांसी के एक किले में, जिसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोला जाता है। चलिए आज देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है। जैसा आप लोग सामने देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो इसकी दीवारें हैं, ये अपने आप में ही उस टाइम की भव्यता को बताती हैं कि उस टाइम ये कितना ग्लोरीफाई रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस किले के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। अब ये अपने इतिहास के किस मोड़ पर है, क्या इसमें देखने लायक हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं ट्रैवल विद नवीन में। आज की वीडियो डेडिकेटेड रहने वाली है हांसी के किले की। तो इसमें हम लोग बात करेंगे हांसी के किले के बारे में, दूसरा इसका इतिहास क्या है, यानी कि कहा जाता है कि ये हिसार के गुजरी महल से यहाँ तक एक टनल के थ्रू कनेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा, आप इस किले पर चढ़ के पूरे सिटी का कितना अच्छा व्यू ले सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको जो सामने किला है वो दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ में जो पुरानी दीवारें हैं, दोस्तों ये मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार पहले नहीं थी, इसको हाल ही में अभी बनाया गया है, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी का जो कटाव है वो ज़्यादा होने लग गया था। सामने आप देख रहे हैं आपके, ये एक अस्तबल टाइप बना हुआ है, यहाँ पे जो घोड़े हैं उनको बांधा जाता था। अब दोस्तों, इस जो किले की अगर हम लोग बात करें, इस किले ने अपने आप में बहुत कुछ देखा है। अगर मैं बात करूँ तो इसने पृथ्वीराज चौहान के टाइम से जब ये बनाया गया था, उस टाइम पर दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ आस पड़ोस के एरिया में जो कंट्रोल होता है राजा का, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वीराज चौहान का राज चला गया, उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो दोस्तों अंग्रेजों ने इसको अपने अंडर कैप्चर कर लिया। अब अंग्रेजों ने इसको कैप्चर करने के बाद बनाया यहाँ पे जो सिक्के होते हैं, जैसे हमारे 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के होते हैं, जिनको कॉइन्स बोलते हैं, उस कॉइन्स यानी कि सिक्के बनाने का कारखाना उन्होंने यहाँ पे लगाया है। आप इस पहाड़नुमा किले के ऊपर चढ़ते हो तो आपको पूरे शहर का नज़ारा एकदम अद्भुत और बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। इसके सामने आपको एक झील दिखाई देगी, जिसे अम्टी झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पहले ये भी काफ़ी बुरे हालात में था, लेकिन अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस पर काफ़ी डेवलपमेंट किया है, और इस वजह से उस जो झील है उसको रीडेवलप कर दिया गया है। बहुत टाइम पहले इसकी देखरेख नहीं की गई, तो इस अभाव में इसके जो बारिश हुई यहाँ पर, उससे इसके कुछ हिस्से बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। अब डैमेज होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे खाई सी बन गई, क्योंकि बीच की जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह के नीचे की तरफ चली गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो कबूतर हैं या तोते हैं, ये चीज़ें उनका घर बन गई है। पर दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपके आपको बहुत से कबूतर दिखाई देंगे झुंड में, या तोते उड़ते हुए दिखाई देंगे, ये भी अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा होता है। अगर मैं बात करूँ इसके डैमेज होने की दोस्तों, तो ये बहुत जगह पर यानी कि पूरे किले में काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं किले के ऊपर चढ़ने के बाद में अस्तबल में, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ है, सीढ़ियाँ डाउन जाना पड़ेगा हमें। तो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ठंड है काफ़ी, यानी कि गर्मियों और सर्दियों में भी ये ठंडा रहता था। हमने एक फास्ट फॉरवर्ड मूव लिया और इसको देखा। तो दोस्तों, इसके अलावा हमें बकरियाँ भी यहाँ पे मिली चरती हुई, और एक तो बकरी अखबार खा रही थी।
अब दोस्तों चलते हैं और यहाँ पे और आगे क्या चीज़ है देखने की। तो हम आगे की तरफ चले जहाँ पे एक मज़ार है, एक पीर की मज़ार है, और उसके साथ साथ एक मस्जिद बनी हुई है जो कि अब यूज में नहीं है। इस यहाँ पे मंदिर भी बनाया हुआ है। तो सारी चीज़ें कुल मिला के यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। मस्जिद के अंदर आप देख सकते हैं कि इसको बहुत हद तक सुधारा जा चुका है, और इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन रखने में हम लोग कामयाब रहे हैं। अब हम लोग इसके ऊपर जा रहे हैं छत पे सीढ़ियों से, तो देखते हैं यहाँ से नज़ारा कैसा दिखाई दे। यहाँ से आप चढ़ने के बाद पूरे किले का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको शहर तो दिखाई देगा ही। यहाँ से यानी कि कहने का मतलब आप पूरा किला देख सकते हैं, आपको बहुत हद तक बहुत अच्छे ढंग से पूरा किला दिख जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ चीज़ें और दिखाई देगी, जैसे कि एक पुराना कुआं। उस कुएं के पास जैसे हम लोग जाते हैं तो दोस्तों अब ये यूज़ में नहीं है, ना ही इसमें पानी है। इसको काफ़ी गहरा होने की वजह से इसको बूर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको इसमें कूड़ा करकट वगैरह ही दिखाई देगा क्योंकि अब यूज़ में नहीं है। इसके यहाँ पे कुछ नक्काशी भी देखने को मिलती है। अब चलिए दोस्तों हम आ जाते हैं जहाँ से हम एंटर हुए थे किले में, उसकी बैक साइड में यानी कि लास्ट में। यहाँ से आप सिटी का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों कि जो शहर हांसी शहर है वो भी अब कितना डेवलप हो गया है। इसके चारों तरफ आपको जब भी आप जाएंगे आपको मकान ही मकान दिखाई देंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक पटरी सी बनी हुई है। यहाँ से चलते हुए हमने देखा कि किला कितना ऊँचा दिखाई दे रहा है और नीचे जो मकान है वो कितने दिखाई दे रहे हैं। और आपको साथ में यहाँ पे जो दीवार है वो भी दिखाई देगी जो कि ASI बनाती है, और लोग उसके बाद भी कब्जा करते हुए आ रहे हैं और जो वेस्टेज हैं, बेकार चीज़ें हैं, वो वहाँ पर डाल रहे हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे जैन जो धर्म है उससे रिलेटेड भी बहुत चीज़ें मिली हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़े टाइम पहले खुदाई की गई थी ASI द्वारा, तो उन्हें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिली थी। कुछ मूर्तियाँ भी मिली थी जिन्हें हांसी के ही एक म्यूज़ियम में, जो जैन म्यूज़ियम है उसमें रखवाया गया है। और यहाँ पे कुछ पत्थर की आपको जैन म्यूज़ियम की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी स्टोर करने की जगह भी है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे हमें मिले कुछ दोस्त जो कि कमांडो की तैयारी कर रहे थे। तो उसने दिखाया कि मैं नीचे जा सकता हूँ, और फास्ट फॉरवर्ड में वो नीचे गया, उसने पुशअप्स की और झट से वापस भी आ गया। तो दोस्तों ये है हमारे इंडियन आर्मी में जाने वाले होनहार जवानों की ताकत। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका सपना जो कमांडो बनने का था वो पूरा हो, क्योंकि दोस्तों वो इतने नीचे एक रस्सी सी के साथ ही उतर गया और वापस भी बड़ी जल्दी से आ गया था। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देख के अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग कवर करेंगे हिसार के गुजरी महल को, और बात करेंगे दोनों का आपस में कनेक्शन क्या था, किस सुरंग के जरिए वो आपस में मिलते थे, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और बने रहिए ट्रैवल विद नवीन के साथ में।